वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। देखिए, आज के लेक्चर में हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट नहीं करेंगे। आज के क्या आने वाले दो या तीन लेक्चर में हम कोई भी टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। हम सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, ऐसी बेसिक चीज़ें जिसके अंदर से कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, नहीं भी पूछे जाते, लेकिन उस बेसिक्स का जो यूज़ है दूसरे टॉपिक्स में बहुत होता है। अगर हमने एक बार इन बेसिक्स को समझ लिया, मतलब दूसरे टॉपिक्स समझना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए आज का पहला लेक्चर शुरू करते हैं हमारे ग्रामर के बेसिक्स से। सो आज हम सबसे पहले देखेंगे सेंटेंसेस। एक सेंटेंस क्या होता है? देखिए, हम वही पढ़ रहे जो बचपन में पढ़ा हुआ है, कुछ नवा नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। सेंटेंस का मतलब होता है डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग, है ना। देखिए, सेंटेंस मतलब क्या है कि भाई कुछ वर्ड्स का ग्रुप, लेकिन जिसका मतलब निकलता हो। भाई अगर मैं ऐसा बोलूँ, स्कूल आई गो टू एट 4 o'clock, ये क्या होता है? स्कूल एट आई गो टू, हमने ग्रुप बनाया, लेकिन इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकला, तो इसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई गो टू स्कूल एट 4 a.m. या 4 p.m. तो हाँ, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, सो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ होती है फ्रेज। भाई फ्रेज का मतलब क्या होता है? अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मीनिंग हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग। इनकम्प्लीट मीनिंग का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, इन द रूम, रूम के अंदर, तो भाई इसका एक मीनिंग है रूम के अंदर, लेकिन रूम के अंदर क्या पता नहीं। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, लेकिन टेबल के ऊपर क्या पता नहीं। सो ऐसे ग्रुप, ऐसे वर्ड्स जिसका मीनिंग है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इनकम्प्लीट, आधा अधूरा मीनिंग निकल रहा है, उससे हम बोलेंगे फ्रेज, ठीक है। बट फ्रेज के बारे में फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, हम फिलहाल सेंटेंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज फ्रेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली नहीं आते हैं। ओके, अब सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली सेंटेंस के 4 टाइप्स रहेंगे। पहला रहता है एसर्टिव सेंटेंस, जिससे बहुत हमें बहुत प्यार है। प्यार है का मतलब है कि इसके जो रूल्स हैं जो हम सीखेंगे आगे के लेक्चर में या आज, उसका हमें भरपूर यूज़ करना है हमारे पूरे ग्रामर में थ्रू आउट दी 10th। अच्छा बच्चा लोग, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस साल आपको अपने ग्रामर की एक पूरी अलग से बुक बनानी है। उस बुक में आप ग्रामर के सिवाय कुछ नहीं करोगे। ग्रामर जो नोट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो सारे के सारे नोट्स आपको अपने नोटबुक में भी लिखने हैं। जिनके पास लास्ट ईयर की नोटबुक है वो क्या करेंगे, सिर्फ जब हम नवे एग्जाम्पल देखेंगे तो नवे एग्जाम्पल खड़े नोट डाउन कर लेना, बाकी थियोरी तो उनके लिए वही की वही रहेगी। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक अलग से बुक बनाऊंगे आप ग्रामर की, जिसमें ये सारे नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू या हम देते रहूँगा, वो आपको ग्रामर में ही करना है। ग्रामर का टोटल वर्क, क्लास वर्क एंड होमवर्क, दोनों का दोनों वर्क आपको एक बुक में करना है, और उस बुक में फिर दूसरी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। अब वो बुक को आप बहुत ही संभाल के रखेंगे, नॉट ओनली फॉर 10th, ऑल्सो फॉर 11th एंड 12th। देखिए, आपका ग्रामर सीखने का ये लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर आप साइंस लो या कॉमर्स लो, आपको कोई भी इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सिखाना नहीं बैठेगा। सो ग्रामर सीखने का ये आपका लास्ट ईयर है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। सो पहला टाइप हो गया उसका एसर्टिव, सेकंड टाइप हो गया उसका इंटरोगेटिव। इन सब के हम मीनिंग देखेंगे, डोंट वरी। थर्ड टाइप है इसका एक्सक्लेमेटरी। एंड लास्ट टाइप हो जाएगा इसका इम्परेटिव। सबके मीनिंग हम वन बाय वन देखने वाले हैं, ठीक है। एसर्टिव का मतलब होता है नॉर्मल सेंटेंस, एक ऐसे सेंटेंस जिसमें हम कुछ बता रहे हो, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कुछ जानकारी दे रहे हो,
जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना, उसको इंग्लिश में डिक्लेयर करना भी बोलते हैं। इसीलिए इसी सेंटेंस का दूसरा नाम है डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सो डिक्लेरेटिव बोलो क्या एसरटिव बोलो, बात एक ही है। अब देखिए, मैं अगर आपको सिंपल इन्फॉर्मेशन दूँ कि भाई कल सुबह 7 बजे की आपकी ट्यूशन रहेगी, सो ये सेंटेंस क्या है? एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एक जानकारी दे रहा हूँ, सो वो एसरटिव हो जाएगा। हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो मोस्टली एसरटिव में होता है। क्यों? हम चुगली करते ना, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, आज टीचर ने मुझे डांटा, आज उसने मुझे मारा। सो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, है ना। सो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम किसी की जानकारी देते हैं, कुछ भी बताते हैं, सो उन सभी को हम कहते हैं एसरटिव सेंटेंस। अब एसरटिव के अंदर भी आगे जाके दो टाइप के सेंटेंस हो जाते हैं, जो आपने सुन ही रखे हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब नेगेटिव का मतलब क्या? कि अगर सेंटेंस में, अगर एसर्टिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर नॉर, अगर इस टाइप के कोई भी वर्ड अगर हमारे सेंटेंस में आ जाएंगे, सो वो बन जाएगा मेरा एसर्टिव के अंदर भी नेगेटिव सेंटेंस। अगर ऐसे वर्ड्स नहीं हैं, सो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव भाई बहुत ही आसान, जितने भी तरह के सवाल, क्वेश्चंस आप पूछते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा भी सवाल, कोई सा भी सवाल, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कब आओगे, क्यों नहीं आए, होमवर्क क्यों नहीं किया, एक्स वाई जेड, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, है ना, वो हाउ डिलीशियस द फूड इज, कितना टेस्टी खाना था, स्वादिष्ट खाना था, ओ हो 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 ऐसा हो गया, है ना, हम एकदम सरप्राइजिंग है तो दुख दिखाते, ओ ऐसा, तो कोई भी तरह की फीलिंग, डर जाना, सरप्राइज हो जाना, चौंक जाना, दुखी से बोलना, खुशी से बोलना, हुरे आई वॉन द मैच, खुशी से बोलना, तो हमारी कोई भी तरह की फीलिंग जब हम बोलेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट आ जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव का मतलब होता है जब आप किसी को कोई ऑर्डर देते हो, या अगर आप किसी से कोई भी रिक्वेस्ट करते हो, या आप किसी को कोई सजेशन देते हो। अगर आपके सेंटेंस में इन तीनों में से कोई भी काम हो रहे होंगे, सो उस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, सो मेरा ऑर्डर है आपसे कि इस सभी चीज़ों को अच्छे से समझ के आपके नोटबुक में लिखना है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को याद रखना, एंड मेरा सजेशन है जो मैं पहले दे चुका हूँ कि इस लिखी हुई चीज़ों को पूरे समय तक याद रखना, एंड इसकी बुक को मेंटेन रखना। ठीक है, सो मैंने जितने भी सेंटेंस उस समय यूज़ किए थे वो सारे के सारे इंपरेटिव हो गए थे। अब इन सब के क्या रूल्स हैं हम देखेंगे। अब बोर्ड एग्जाम में आपको क्या जरूरी है? सो बोर्ड एग्जाम में एक आपको एसर्टिव जरूरी है, इंट्रोगेटिव जरूरी है, ये दोनों बहुत जरूरी है, बिकॉज हर एक टॉपिक में हम इन दो टाइप के सेंटेंस से डील करेंगे ही करेंगे। फिर ये जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉट वेरी मच, एंड ये ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट मतलब एक कि भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ कुछ जगह पे ये आएगा। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस की। आप भी चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये सब कुछ अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंस की। देखिए बच्चा लोग, अब यहाँ पे हम जो सीखेंगे ना, अभी सीखने जा रहे हैं, वो सिर्फ आपको इंग्लिश ग्रामर में ही नहीं, बल्कि आपको इंग्लिश जब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, कॉम्पो वगैरह लिखते हैं, या एसएस के आंसर्स लिखते हैं, या साइंस के आंसर लिखते हैं, तो इन सभी जगह, इन शॉर्ट आप कहीं भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो आपके बहुत यूज़ आने वाला है। देखिए
हमें इंग्लिश ना आने का या अच्छे से नहीं बोल पाने का एक रीज़न तो है ही है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि भाई हमें यही नहीं पता होता है कि कौन से वर्ड को कौन से पोजीशन पे यूज़ करना है। अब एक इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ चीज़ों को इंग्लिश में कहते क्या है। एज पर एग्जाम्पल मैं दूरबीन की बात करूँ तो उसको बायनोकुलर्स कहते हैं, पंखे की बात करूँ तो फ़ैन कहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें पता है। बट अगर मैं बड़ी चीज़ें मारूँ, आँख मारना, उबासी लेना या आंगड़ाई लेना, तो ऐसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं हमें पता नहीं है। तो उस चीज़ की तो प्रैक्टिस आप तो ही हो सकती है जब आप वोकेबलरी पे फोकस करेंगे। और वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन या दो दिन या एक महीने में नहीं कर सकते हैं, उसे रेगुलर प्रैक्टिस में बोलते रहो, ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। ओके, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि चलो मुझे अगर वर्ड्स के मीनिंग पता भी है, मैंने कहीं से सर्च कर लिया, पता कर लिया, तो उसे कहाँ पर लगाना है इंग्लिश के सेंटेंस में, स्टार्टिंग में, बीच में, एंडिंग में, किसके बीच में लगाना है, कहाँ लगाना है, पता है नहीं, है ना। हर चीज़ का एक तरीका होता है बनाने का। सिमिलरली इंग्लिश जो सेंटेंस है उसको भी बनाने का तरीका है। सो एसर्टिव सेंटेंस का क्या तरीका है, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, वो अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आता है एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये सब क्या है हम डिटेल में देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा आपका नेगेटिव वर्ड। अब देखिए नेगेटिव वर्ड इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों? बिकॉज अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ही उसमें आएगा, अगर नेगेटिव नहीं है तो ये चीज़ उसमें नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है। प्लस उसके बाद आ जाएगा वर्ब, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड कभी कभार आ जाता है यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड्स। एक्स्ट्रा वर्ड्स का मतलब है जैसे कि हमने फ्रेज देखा था ना, इन द रूम, ऑन द टेबल, फ्रेज, वो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है फ्रेज, तो वो यहाँ पे लगेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलो उस पर भी हम सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कई बार वर्ब की जगह पे हम लोग एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल करते हैं, ओके? और एक और चीज़ है एडवर्ब, जिसका इस्तेमाल भी बार बार किया जाता है। अब अगर वर्ब के साथ उसका यूज़ होगा सो वो जो एडवर्ब है वो वर्ब के बाद लगता है, अगर एडजेक्टिव के साथ लगेगा सो वो उसे पहले लगता है। एडवर्ब जो है वो दो ही लोगों के साथ लगेगा, दो ही चीज़ के साथ लगेगा, या तो वर्ब के साथ यूज़ होगा या तो एडजेक्टिव के साथ यूज़ होगा। अब अगर वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है तो वो उसके बाद में यूज़ होगा, एडजेक्टिव के साथ जो यूज़ हो रहा है वो उससे पहले यूज़ होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये जो हमने फॉर्मेशन देखा है ये 98% यूज़ होता है। मतलब इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर एक चीज़ का एक्सेप्शन है, हर एक चीज़ का। जैसे कि हम कहते हैं कि सिंगुलर के साथ इज लगेगा, लेकिन यू के साथ, यू अगर आप अकेले यू हो तो यू आर लगता है, भले आप एक अकेले ही हो। आई मैं अकेला हूँ फिर भी आई वॉज, आई वर, पास्ट में वर लगता है। मतलब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश में हर एक चीज़ का अपना एक्सेप्शन है। सो ये जो फॉर्मेशन दिया है ये जनरल फॉर्मेशन है कि मोस्टली सेंटेंस इस प्रकार से बनते हैं। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि इसके सिवा और कोई फॉर्मेशन ही नहीं, नहीं, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस कुछ चेंजेस आते रहते हैं। अब वो चेंजेस हम कहीं पढ़ने नहीं जा सकते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता लगती जाएगी। आइए तो अब आगे इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं। भाई सबसे पहले सब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसकी जानकारी दी जा रही है। देखिए मेरा ग्रामर पढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं आपको हर एक चीज़ को हिंदी में करके बताऊंगा। अगर आपको भी ग्रामर सीखना है आप हर एक चीज़ को हिंदी में पहले करो और फिर उसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। देखिए हिंदी जो है ना सेम टू सेम वही चीज़ ग्रामर में फॉलो होती है। बट क्या है कि हम बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हैं तो उसका व्याकरण हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अब इंग्लिश का ग्रामर बहुत ध्यान देते बिकॉज इंग्लिश हमारे लिए बहुत एक नवी अननोन लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है। सो हर चीज़ हम हिंदी के थ्रू ही देखते रहेंगे। सब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा वर्ड, सेंटेंस के अंदर एक ऐसा वर्ड जिसकी जानकारी हो, उस सेंटेंस में जो मोस्टली हमको जानकारी दी गई हो वो। एज पर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, भाई रमन
हैज ब्रोकन हिज फादर्स स्टिक. रमन ने अपने पापा की स्टिक तोड़ दी. सो यहाँ पे जानकारी किसकी मिल रही है, रमन की, उसके पापा की या स्टिक की? कोई बच्चे बोलेंगे फादर की. तो भाई पापा की जानकारी क्या मिली? पापा की जानकारी तो कुछ भी नहीं मिली है, स्टिक टूट गई है. लेकिन पापा की जानकारी तो ना सिर्फ इतना बताया गया कि स्टिक पापा की है. अगर बोलेंगे स्टिक, तो भाई स्टिक की जानकारी क्या मिली? स्टिक टूट गई है, ठीक है, बट वो जानकारी नहीं मिली. मेन जानकारी हमें मिल रही है रमन की, भाई रमन ने वो चीज़ तोड़ी है. एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लूँ, इट इज माई बुक, ये मेरी बुक है ना, ये मेरी बुक है. सो उस समय किसी भी चीज़ की यहाँ पे नाम तो लिया नहीं गया, सिर्फ इतना बोला गया इट, ये मतलब हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं. सो आई टी इट जो वर्ड है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट हो जाएगा. क्यों? चले मैं बोलूँ कि इट इज़ माई बुक, अगर सपोज है कि ये बुक है तो इट इज़ माई बुक. इन शॉर्ट इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि ये बुक मेरी है. मेरी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी कोई जानकारी मिल रही है? नहीं. जानकारी मिल रही है इस चीज़ की कि ये मेरी है. सो आई टी इट जो है वो बन जाएगा मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट. ओके अब सब्जेक्ट जो है वो या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल. देखिए बचपन में हमें सिखाया गया था कि इज सिंगुलर के साथ लगेगा, आर प्लूरल के साथ लगेगा, वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, है ना. लेकिन हम हमेशा यही सोचते थे कि यार क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, पर हमें रटा दिया जाता था कि बेटा अगर एस आ जावे तो आर लिख देना, आर आ जावे तो एस कर देना, एंड सो ऑन. लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा लॉजिकली थॉट्स के साथ कि भाई जो चीज़ एक्चुअली हमें बचपन में सिखाई गई थी कि सिंगुलर है प्लूरल, वो होती है सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज एम या पास्ट में वॉज. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, भाई देखिए वो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, या मैं और मेरे फ्रेंड्स आज बाहर घूमने जाएंगे, तो मैं और मेरे फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हो गए, ठीक है. सो उस समय हम बोलेंगे प्लूरल, मेरे पापा मम्मी आज मुझे लेने आएंगे. सो पापा मम्मी, जानकारी पापा में दोनों को मिल रही है. सो दो सब्जेक्ट हो गए एक से ज़्यादा, अगेन वो हो जाएगा प्लूरल. ओके फिर हम आगे आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब पे. सो भाई हेल्पिंग वर्ब का मतलब आप सब जानते हो, इज एम आर वॉज वर कैन कुड मे माइट विल वुड, हाँ भाई, तो विल शैल वुड शुड मस्ट ऑट टू या हैज हैव हैड. तो ये सभी जो है आप सभी वर्ड्स आपने पहले कहने के सुने हैं और देखे भी है. सो इन सभी को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब. अब देखिए हमारे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या किया है, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को है ना दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक्चुअल में ऐसे कोई ग्रुप्स होते नहीं है, ये सिर्फ मैंने मेरे लिए हमारी सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइड किया है. पहला जो ग्रुप है पांच वर्ड्स का, उसको मैं बोल दूंगा कैटेगरी वन, और जो दूसरा ग्रुप है उसको मैं बोल दूंगा कैटेगरी टू, ठीक है. ऐसा क्यों? बिकॉज आगे जब हम बड़े बड़े टॉपिक्स देखेंगे तो मैं उस समय आपको डायरेक्टली बोलूंगा कि कैटेगरी वन के हेल्पिंग वर्ब आए तो ये कर दो, टू के आए तो ये कर दो, ठीक है. तो क्या बार बार हमें फिर सारे सारे वर्ड्स बोलने नहीं पड़ेंगे, बेटा ये आवे तो ऐसा करो, वो आवे तो ऐसा करो, वो फालतू मगज मेरी लेनी नहीं है. सो हम इतना याद रखेंगे कि कैटेगरी में पांच हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज एम आर वॉज वेर, और कैटेगरी टू में बाकी के सारे आ जाएंगे, कैन कुड मे माइट शिल विल शैल हैज हैव हैड शुड सब. ओके आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. अब आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? नेगेटिव वर्ड. तो नेगेटिव वर्ड तो हम पहले ही देख चुके हैं, नो नॉट नेवर वो सब. फिर उसके बाद आ जाता है वर्ब. सो भाई वर्ब का बहुत आसानी से मीनिंग याद रखना है, जो काम हो रहा हो.
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्शन वर्ड। भाई देखिए, आपके सेंटेंस में जो भी काम हो रहा होगा ना, वो बन जाएगा मेरा वर्ब। रमन हैज ब्रोकन, रमन ने पापा की स्टिक तोड़ दी। काम क्या हो रहा है? तोड़ना, ब्रोकन। सो ये जो वर्ड है वो बन जाएगा मेरा वर्ब। सेकेंड सेंटेंस, इट इज माई बुक। भाई ये मेरी बुक है, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, मेरी बुक में क्या काम हो रहा है? कोई बच्चे बोलते सर बुक, तो बुक कोई काम थोड़ी ना होता है। अगर बुक काम होता और सपोज बोलता कि भाई मैं तो अभी भी बुक करके आया, चलेगा? नहीं ना। या भाई बाय बाय, मैं तो बुक करने जा रहा हूँ, हैं? नहीं, बुक करने जा रहा हूँ कुछ टिकट बुक करने जा रहा हूँ, बात अलग हो गई। बट यहाँ पे बुक का मतलब है किताब। सो वो तो कोई काम होता नहीं है। इन शॉर्ट, इसके अंदर वर्ब है ही नहीं। ओके, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं, जो भी हमारा काम हो रहा हो। मैं और भी कुछ एग्जांपल देता हूँ। भाई हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना एक काम हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, खेलना एक काम हो गया। अगर कोई थोड़े मैं हाई लेवल के आपको एग्जांपल दूँ, सो भाई गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी, भाई गॉड ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। अब यहाँ पर वर्ब क्या होगा? आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद का मतलब ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग तो आशीर्वाद हो गया, काम तो ना हो रहा है। काम हो रहा है देने का, आशीर्वाद दिया है। काम क्या हो रहा है? देने का, गिवन। ओके, सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। वर्ब के आगे बढ़े, सो भाई ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो काम हो रहा है वो काम किसके लिए हो रहा है। एज पर एग्जाम्पल, रमन हैज ब्रोकन, रमन ने तोड़ दी। क्या तोड़ दिया भाई? तोड़ने का काम हुआ, तो वो काम किसके लिए हुआ, मतलब वो क्या हुआ काम में? तो वो काम में हुआ स्टिक तोड़ना, तो फादर्स स्टिक। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, जो काम हुआ हो, देखिए यहां पे जो काम हो रहा है कि भाई तोड़ने का काम हो रहा है, और जो काम हुआ है तोड़ना है, तो किसे तोड़ा? ओके, या मैं ऐसा बोल दूंगा, चलिए यहां पे और आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, किस चीज का काम हुआ। यानी कि अगर लकड़ी टूटी है तो कौन सी लकड़ी टूटी है। फिर अगर मैं बात करूं, भाई गॉड हैज गिवन मी द ब्लेसिंग, गॉड ने दिया है, क्या दिया है? ब्लेसिंग दिया है। तो काम क्या हुआ, किस चीज का काम हुआ? दिया, तो क्या दिया भाई? ब्लेसिंग दी। मैं आपको ग्रामर सिखा रहा हूँ, सिखाना काम है, क्या सिखा रहा हूँ? ग्रामर। सो वो हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मोस्टली केस में, हर बार नहीं, मोस्टली केस में ऑब्जेक्ट का मतलब अ वर्ड और वर्ड्स जस्ट आफ्टर वर्ब। जनरली मोस्टली ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एकदम बाद में ही आता है। रमन हैज ब्रोकन हिज फादर्स स्टिक, गॉड हैज गिवन मी द ब्लेसिंग। सो मी जो है वो भी एक तरह का एडवर्ब हो गया। ओके, अब अगर आगे देखें तो एक्शन वर्ब तो मैंने आपको बताया था, फ्रेज बचा क्या? एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव का बहुत ही सिंपल मीनिंग होता है क्वालिटी। क्वालिटी अब दो तरह की होती है, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है या क्वालिटी खराब भी हो सकती है। ओके, सो कैसी भी क्वालिटी के बारे में कहा गया, मतलब तारीफ या बुराई, उससे हम बोल देंगे एडजेक्टिव। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये डस्टर का कलर येल्लो है, तो येल्लो क्या है? एक क्वालिटी हो गई। सो अगेन येल्लो वर्ड जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। भाई ये प्लास्टिक का बना है, सो प्लास्टिक वो भी एक तरह का एडजेक्टिव हो गया। ओके, सो टाइप ऑफ मटेरियल, कलर ऑफ मटेरियल, ये सभी चीज़ें जो है वो एडजेक्टिव के अंदर आ जाती है। फिर यू आर अ गुड बॉय, आई एम अ बैड बॉय, वो सारे एग्जांपल भी इसके अंदर, गुड बैड जो है एडजेक्टिव, तारीफ या बुराई, सिंपल। आखिरी में बचा एडवर्ब। अब देखिए एडवर्ब जो है ना, वो आपके दो वर्ड्स को मिक्स करके बनाए। एड का मतलब होता है एडजेक्टिव या तो फिर वर्ब। सो ये जो शब्द है ना, वो हमारे एडजेक्टिव या वर्ब के लिए ही यूज होते हैं हमेशा। कैसे?
अब ये क्या करते हैं, एडवर्ब जो है हमें एडजेक्टिव या वर्ब की एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। एज पर एग्जाम्पल, रमन हैज ब्रोकन हिज फादर्स स्टिक, रमन ने उसके पापा की स्टिक तोड़ दी। कैसे तोड़ी? अब अगर मैं यहां पे लिख दूं हैज ब्रोकन his father's stick roughly मतलब एकदम जंगलों की तरह तोड़ दी। सो भाई काम हो रहा है तोड़ने का, क्या तोड़ा? फादर की स्टिक, तो वो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। कैसे तोड़ा? अब आपको सवाल पूछना है, देखिए अगर कोई वर्ब आ रहा हो, वर्ब के लिए एडवर्ब यूज हो रहा है, तो हमें सवाल पूछना है कि काम हुआ तो कैसे हुआ। सो कैसे तोड़ा? रफली तोड़ा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, हॉर्स इज रनिंग फास्टली, भाई घोड़ा भाग रहा है, तो कैसे भाग रहा है? फास्टली। तो ये हो गया एडवर्ब। इन शॉर्ट एडवर्ब जो है वो वर्ब की एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। अब अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं, सो एडजेक्टिव के लिए आपको सवाल पूछना है कितना, देखिए कैसे, द बोर्ड इज सो स्ट्रांग, जो भाई जो बोर्ड था ना वो बहुत ही स्ट्रांग था। सो स्ट्रांग ताकतवर, तारीफ, मतलब मेरा एडजेक्टिव हो गया। सो मैंने क्या पूछा, एडजेक्टिव के लिए आपको एक सवाल पूछना है कितना, बोर्ड स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग है? बहुत स्ट्रांग है। सो ये सो जो है ये हो जाएगा मेरा एडवर्ब। सो एडवर्ब जो है वो किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा जानकारी देता है। अगर वर्ब के साथ आ रहा है तो आपको सवाल पूछना है वो काम कैसे हो रहा है, और अगर एडजेक्टिव के साथ वो वर्ड आता है तो आपको सवाल पूछना है कितना क्वालिटी है, तो कितनी है। ओके सो आज हमने ये देखा, एक तो भाई एसर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका क्या मीनिंग होता है। सो आज का ग्रामर का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, एंड कुछ हेल्पिंग वर्ब के बारे में और कुछ एक क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी क्लासिफिकेशन है हमारे ग्रामर के लिए। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।